शो तो बहुत होते हैं, इस तरह के शो बहुत कम होते हैं। जैसे इंडिया से लेकर श्रीलंका तक हर देश के लोग मिनिमम उन्होंने तारीफ किया ऑफ बैलेंस की, जिसमें जोरामुद्दल ने काफ़ी अच्छे डिजाइन किया और खुद भी इजाज़ खान के साथ रैंप वॉक किया। और देखा जाए टेलीविजन से लेकर बॉलीवुड तक के काफ़ी सारे हस्तियाँ यहाँ इसमें अपने अपने स्टाइल में, अंदाजों में लोगों ने शो के रैंप वॉक किया और काफ़ी सुंदर लगा। एक से एक कलेक्शन रहा, ब्लैक थीम रहा उनका, लेकिन ऑफ बैलेंस की जो देखा जाए, देखो ये ही है अपना जिन्होंने जीएन किया है, जोरा मुगल और इजाज़ खान के साथ एक दूसरे को रैंप वॉक करते हुए साथ देते हुए। और कौन कौन स्टार कास्ट इसमें आया आप लोग खुद ही देखिए और बताइए क्या खास लगा आपको इसमें और क्यों नहीं लगे, क्योंकि है कुछ इसमें स्पेशलिस्ट जो एक से एक स्टार ने अपने अपने टैंडम दिखाया। सुपर, क्या बात है, क्या बात है। संगीता से लेकर के अनु से लेकर करके रोहित से लेकर के बड़े बड़े लोग हैं इसमें। क्या बात, क्या बात, क्या बात, सुपर, हरा भरा कबाब। लुक इधर दीजिए, हाँ हमारे थोड़ा सा तो स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है, आपने पढ़ाया, आप मुझे पढ़ाओ, क्या बात है, मुझे भी सिखाना था। काफ़ी बेहतरीन था, एक से एक अपने आप हुस्न के जलवा देखे आप लोगों ने भी, अच्छे अच्छे आपने किए। कैसे लगा आप लोगों के रॉम टॉकर के, इससे पहले क्या क्या किया और क्या आने वाला आपका प्रोग्राम है सर? सब होते शो बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया था और जो ड्रेस है बहुत ही फैंटेस्टिक है, वर्ल्ड वाइड ब्रांड है इसका और बहुत सारे स्टोर्स अवेलेबल हैं मुंबई में, अभी दुबई में भी इन्होंने लॉन्च करना है और ये बहुत ही कम्फर्ट ड्रेस है, इट्स फैंटेस्टिक, सो वर्ल्ड वाइड में अवेलेबल है ये। तो हम बात करें जोरा के जो फैशन शो में, जिस तरह से हर तरफ कुछ ना कुछ हमेशा कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है, इस बार क्या आप लोगों का डिफरेंट लगा? इस बार यही मतलब इन्होंने न्यू ब्रांड लॉन्च किया और ये बहुत ही अच्छा ब्रांड है, बहुत मज़ा आया, बहुत सारे मॉडल्स नए मॉडल्स लॉन्च हुए इसमें और बहुत ही अच्छा ग्रोथ है, कम्फर्ट है इसमें, स्ट्रेचिंग है और बहुत ही मज़ेदार शो रहा है जोरा का। हम देखें इजाज खान भी रैंप वॉक किया आप लोगों के साथ, गए एनर्जी के साथ, किस तरह का आपके साथ रहा इनका? इजाज खान तो बहुत सीनियर है और सर भी रैंप शो करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत एनर्जेटिक है, एक्सपीरियंस्ड है, काफ़ी कुछ सीखा हमने उनसे। जोरा जिसे देखें आपके शो में बेहतरीन लोग अदाकार लोग आए हैं, काफ़ी अच्छा सक्सेस आप लोगों का रहा शो, क्या बोलना चाहते हैं? इतने सारे जो मॉडल आए, इजाज खान भी आए, काफ़ी सारे लोग भी आए, क्या बोलना चाहते हैं आप? बेसिकली देर इज लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस, आई एम डिजाइनिंग एक्सेसरीज लाइक
कार्गोस, कुंडीज, जॉगर्स, कॉर्सेट्स एंड दिस इज गोइंग टू बी वर्ल्ड वाइड ब्रांड एंड आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड देयर आर 3 स्टोर्स इन थाईलैंड, दुबई एंड सिंगापुर एंड वन आई एम सून ओपनिंग इन न्यूयॉर्क एंड इन मुंबई डेफिनेटली इट्स हैपनिंग एंड दिस इज ऑल अबाउट फॉर बॉयज यूनिसेक्स ब्रांड सो देयर विल बी सेम सेम डिजाइनिंग फॉर पीपल बट डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म ऑफ फिटिंग Yeah, so I love this show because there are a lot of students and a lot of young generation and they can wear it and flaunt it for sure. If they like it, I'm sure they will like it. And I want to say thank you so much to all my models. They have supported me a lot. Smita, she has come from Hyderabad. Ayan, he has come from Dubai for my show. And I'm really glad. समिता हमसे बात करी थीम ब्लैक का रहा आज सब लड़कियां ब्लैक कैट की तरह खूबसूरत लग रहे हैं किस तरह का परफॉर्मेंस रहा कैसा रहा अनुभव बताएंगे नमस्कार मेरा नाम स्मिता झा है और आज ये एजुकेशनल एक वो था और जोहरा उसमें एक बार समिता आज के शो के बारे में बताए किस तरह का रहा आप लोगों को बताएंगे नमस्कार मेरा नाम स्मिता हमने देखा ऑफ बैलेंस का काफ़ी सारे ब्रांड काफ़ी पॉपुलर लोग जानते हैं और यहाँ पे आप लोग शो भी किए इतने अच्छे लोग काफ़ी अच्छे अदाकारा इजाज खान टीवी एक्टर्स काफ़ी सारे लोग आए आप लोगों को उत्साह दिया समिता मैं आपसे पूछना चाह रहा था ब्लैक थीम रहा ऑफ बैलेंस का क्या बोलना चाहता ब्लैक थीम के बारे में नमस्कार मेरा नाम स्मिता झा है और जोहरा मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और उससे पहले वो बहुत अच्छे डिज़ाइनर हैं और जोहरा का शायद फेवरेट कलर है ब्लैक इसीलिए उसने ब्लैक कलर थीम रखा और ब्लैक कलर एक ऐसा कलर है जिसमें सबकी ब्यूटी एकदम खिल के बाहर आती है इट लुक्स वेरी बोल्ड वेरी पावरफुल दैट्स वाई द थीम वॉज ब्लैक एंड ऑफ बैलेंस क्लोथिंग में ब्लैक और ग्रे का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस जोहरा ने दिया हुआ है सो इट वॉज अमेजिंग ऑल द मॉडल्स वर लुकिंग फैंटास्टिक एंड थैंक यू थैंक यू जोरा मैं पूछना चाहता हूँ कुछ आने वाला फिर क्या नया कुछ आपका थीम प्रोग्राम नया कुछ है अच्छा आज लता मंगेशकर हाउस में तो किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा बताएंगे थोड़ा और जोरा के साथ किस तरह बॉन्डिंग रहा जोरा मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और ये इट वॉज द बेस्ट एक्सपीरियंस विद हर एंड मैं इनके साथ काफ़ी एक डेढ़ साल से काम कर रहा हूँ और इनका जो शी इज़ ऑलवेज बीन एक्सपेरिमेंटिंग विद द न्यू क्लॉथ्स तो इट वॉज वेरी कम्फर्टेबल एंड ये जो भी करती है वो मुझे पता ही होता है शी इज़ द बेस्ट तो या ये अच्छा एक्सपीरियंस रहा मैं इनके साथ आप बताना चाहते हैं और बैलेंस जब आपने क्लॉथ पहना पहन के जब वर्क किया तो कैसा लगा आपको अच्छा लगा इट्स वेरी कम्फर्टेबल वेयरिंग द क्लोथ्स वेरी लाइट फैब्रिक एंड इट्स वेरी गुड क्वालिटी और ओवरऑल तो सभी अच्छा था और एक्सपीरियंस भी अच्छा था मेरा एक्चुअली फर्स्ट टाइम था तो इट वॉज माई फर्स्ट टाइम डूइंग अ रैंप वॉक इट वॉज यू नो द फर्स्ट एक्सपीरियंस जोरा जो भी आपके ड्रेसेस पहन रहे हैं सब हैप्पी है सब कंफर्टेबल है तो क्या बोलना चाहते हैं आपके बस मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आई हैव टेकन अ लॉट ऑफ न्यू मॉडल्स बिकॉज आई वांट टू गिव चांस टू न्यू जनरेशन न्यू मॉडल्स एंड आई वांट देम टू बी कंफर्टेबल ऑलवेज एंड हैप्पी थैंक यू जिस तरह का हमने देखा ऑफ बैलेंस का काफ़ी अच्छे शो रहा काफ़ी सर आपने भी अच्छे वर्क किए आपने मेरे वर्क जिस तरह हम जोरा से बात करें जोरा के साथ आपने किस तरह की आपका बॉन्डिंग है कैसे रहा आपका शो आज के बारे में बताएं जैसे कि जोरा मुगल बहुत फैंटास्टिक डिज़ाइनर है बिकॉज आई एम वर्किंग विद हर वॉज 7 ईयर्स मतलब मेरे जितने भी शूट्स के ड्रेसेस होते हैं या मैंने जितने भी एड्स फिल्म्स मूवी जो भी किया है उसके काफ़ी सारे कपड़े जोहरा ने ही डिज़ाइन किए हैं सो आई नो हर वेरी वेल शी इज़ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड और ये ऑफ बैलेंसिंग क्लोथ्स की मतलब ऑल द वर्ल्ड की बहुत अच्छी डिज़ाइनर बनने वाली है और ये ऑलरेडी है और इनके साथ हम दुबई भी जा रहे हैं या वी आर डूइंग द शो इन दुबई ऑल्सो और ये बहुत अच्छा शो रहा और शो में हमने इतना फैंटास्टिक वर्क किया है सो आई एम सो हैप्पी वर्क विथ हर एंड एजाज भी था एजाज के साथ भी हमने बहुत अच्छी बॉन्डिंग है सो इट्स वेरी गुड तो जोरा हम आपसे बात करें दुबई वाली बात आप राज छुपा कर रखे थे आप राज आपका खुल गया क्या बताना चाहते हैं कि क्या करें दुबई में स्पेशली कुछ राज नहीं है जस्ट प्रिपरेशन गोइंग ऑन सो माय नेक्स्ट प्लान इज नाउ लाइक आई हैव अ प्लेस इन दुबई वेयर आई एम गोना सेल दिस क्लोथ्स सो 24 फरवरी आई एम डूइंग अ वन मोर फैशन शो इन दुबई सो दिस इज द प्लानिंग गोइंग ऑन बट हियर आई हैव शोड अप डिफरेंट क्लोथ्स There the class is different, the work is different and the costume is also different, which I will not tell you, you have
have to see when it will be done. Thank you so much, Kenan ji. करते हैं ऑफ बैलेंस का, जिससे हमारे डीएनआर है और एक्टर मॉडल सब लग रहे हैं, अपना जोरा जी इनके साथ आपने रैंप वॉक किया, इजाज खान काफ़ी सारे एक्टर भी आए थे जिसने हौसला बढ़ाया आप लोगों को, क्या बोलना चाहते हैं इस ऑफ बैलेंस के बारे में, किस तरह की आप कब से यूज कर रहे हैं, कैसा है? सबसे पहले तो ऑफ बैलेंस के बारे में बोलूँगा कि पहले तो ऑफ बैलेंस की डिज़ाइनर के बारे में बोलूँगा, शी इज़ नॉट अ डिज़ाइनर फर्स्ट फॉर मी एंड शी इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन एंड सिंस वेरी लॉन्ग. So ऑफ बैलेंस के बारे में ये बोलूँगा तो आई एम फीलिंग वेरी कम्फर्टेबल टू वेयरिंग दिस एंड क्वालिटी इज़ गुड यू नो, तो आई एम फीलिंग वेरी ऑफ बैलेंस नाउ वेयरिंग दिस. वैसे भी आई लव हुडीज, सो हाँ अच्छा लगा मुझे इसके साथ रैंप शो करके. थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग इट फील सो स्पेशल एंड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ऑफ बैलेंस फैशन शो. थैंक यू वेरी मच. आपके जोरा जी कहना चाहते हैं आपके साथ काफ़ी अच्छे अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, आप काफ़ी अच्छे आपको मतलब बोला सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या बोलना चाहते हैं रोहित भाई के बारे में? आई जस्ट वॉन्ट टू से वन थिंग दैट आई हैव मेट मैनी मॉडल्स, दे आर ऑल गुड, मैं किसी को वो नहीं दूंगी, बट रोहित इज माई फेवरेट मॉडल एंड ही इज एक्चुअली अ सुपर सुपर मॉडल. ही इज परफेक्ट इन हिज लुक्स, ही इज परफेक्ट इन हिज वॉक एंड ही इज वेरी प्रोफेशनल, which is a very important thing to work with a model. That's all so, sweet of her and she's kind of her. ye meri paise latange kichiye waise kuch before a model, before a designer, you should be a very good human being first. Yeah, so he is a very good human being. Thank you very and much. Very you professional too. Human being, that's very amazing. Really appreciate that and you're making me feel so I'm special. I'm great to have you in my show. थैंक यू. एक लास्टली सवाल, जो रहा आप इतने खूबसूरत हो, रोहित भाई इतने स्मार्ट है, तो आप साथ में काम ही करके साथ में कभी सोचे कभी एक्टिंग भी करें आप दोनों या क्या? कभी जल्दी, बहुत जल्दी, मतलब पाइपलाइन में आपका है कि बहुत जल्दी आप एक मसाला देने वाले हो बॉलीवुड, थोड़ा सा मसाला रहना चाहिए ऑडियंस के लिए. तो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक आप दोनों का, इस तरह का शो ऑफ बैलेंस करते रहिए, हम लोग आप लोगों के विषय बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू. हाँ लास्ट में मैं बोलना चाहूँगा, प्लीज विजिट on her store Off Balance and Instagram pe Off Balance. Okay, yeah. Search on, let's find the Off Balance on Instagram. www.offbalanceclothing.com. Kya baat hai, kya follow her also. Kya Off Balance _ clothing. Beautiful girl. Yeah, yeah. Thank you. बेस्ट ऑफ लक जोरा. थैंक यू सर. हेलो, जिस हम बात करें जोरा जी के, एक इंटरनेशनल लेवल पे एक प्रोग्राम कर रहे हैं ऑफ बैलेंस, जितना हमने देखा प्रोग्राम काफ़ी सारे सक्सेस, आप भी इसका एक मुख्य अतिथि रहे, क्या बोलना चाहते हैं जोरा और प्रोग्राम के बारे में? I've heard about Mr. Adjust on YouTube and all that. I've seen his videos also. But unfortunately, I really couldn't meet him due to, I don't know, but maybe the schedule, I guess. But I'm happy to meet Madam Zoya. And then it's good to see you, Madam. And the way you performed on the stage was wonderful. I felt like I was watching kind of a Bollywood movie or something like that. क्या बात. अब जो आप कुछ बोलना चाहते हैं सर के बारे में? सर के बारे में ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, बट आई रियली वांट टू से थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग सो मच एंड प्लीज मोस्ट वेलकम अगेन. थैंक यू. एंड वी विल डेफिनेटली डू वन मोर शो इन भूटान. डेफिनेटली. सो देन यू कैन सी लाइव बॉलीवुड इन भूटान. यस, रिसेंटली द फ्यू बॉलीवुड एक्टर्स विजिटेड भूटान. Like Shahid Kapoor and family, yeah. And His Majesty the King has given the audience. So what we share the bond between India and Bhutan is a good friendship that we have. So among the neighboring countries, Bhutan and Indian share a special bonding. So that's why the Bollywood stars, when they visit the country, our beloved the King personally gives audience to the Bollywood star, like Shah Rukh Khan. Shahid Kapoor bought the audience recently. So likewise, we feel special when we meet Bollywood stars and the fashion stars and all that. Wow, congratulations. Thank you. Thank you so much. पूरा फेस्टिवल की आपने काफ़ी रंगारंच रहा, बहुत खूबसूरत बेहतरीन रहा, क्या बोलना चाहते हैं इस तरह की रंगारंच मंच पे? देखिए, ये जो कॉन्फ्रेंस थी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें पूरे सार कंट्री के मेंबर्स और टीचर्स ने, बेसिकली उनके एजुकेशन मिनिस्टर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था,
और इसके अंदर हमने ज़ोहरा मुगल को रिक्वेस्ट किया था कि वो हमारे यहाँ पर एक फैशन शो उन पूरे पार्टिसिपेंट्स के लिए और मिनिस्टर्स के लिए अरेंज करे, और ज़ोहरा ने बहुत ही बखूबी इस काम को अंजाम दिया। यहाँ पे इन्होंने एजाज खान जैसे फिल्म स्टार को एक शो स्टॉपर के तौर पर लाया, तो इट्स रियली हैट्स ऑफ। आप क्या बोलना चाहते हैं मैम? जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था इसमें काफ़ी डेलीगेट्स आए थे, जहाँ पर श्रीलंका के मास मीडिया मिनिस्टर एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी थे, श्रीलंका से स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर भी थे, और उन सब के बीच में हमने ये प्रोग्राम किया, और उस बीच में हमारे लिए ज़ोहरा ने हेल्प की और ज़ोहरा ने इस चीज़ को परफॉर्म किया, और अपना बहुत अच्छा उन्होंने फैशन शो वहाँ पर परफॉर्म किया। इट वॉज़ वेरी नाइस। जोर हम आपसे पूछना चाहते हैं, काफ़ी सारे लोग हैं, काफ़ी सेलिब्रिटी रहा, इतनी सारी दुआएं प्यार मिले, और आज स्पेशल दिन भी रहा आज के हिंदुस्तान के दिन में, तो आपके भी प्रोग्राम आप काफ़ी सक्सेस रहा, क्या बोलना चाहते हैं देशवासियों के लिए? मैं सिर्फ सबसे ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहूँगी मेरी मुसरत मिस और जोर सर को, क्योंकि इन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं स्टूडेंट्स के सामने अपना कलेक्शन दिखा सकूँ, और आई कैन रिप्रेजेंट इंडिया एज एन एजुकेशनल वे for the students. I just want to say that if we all will think like this and we can do some educational conference, our India will be number one. Thank you so much. Thank you, Vishnu. Thank you. कब से इनके साथ जुड़े हैं? मेरा फर्स्ट था शो जोया जी के साथ, और काफ़ी अच्छा रहा, बिल्कुल नहीं लगा कि मैं फर्स्ट टाइम इनके साथ शो कर रही हूँ, काम कर रही हूँ, इतना इन्होंने कंफर्टेबल फील कराती है, इतना प्यारी है, बहुत मज़ा आया, और ब्लैक मेरा फेवरेट कलर, सो इतना मज़ा है बता नहीं सकते। तो बॉन्डिंग के बाद बॉन्डिंग भी आपका कैसा रहा? बॉन्डिंग बहुत अच्छा, अभी तो मैं इनके साथ और भी काम करना चाहूँगी अगर मौका देंगी तो। बाकी इनका ड्रेस बहुत अच्छा था, बहुत माइंडफुल। थैंक यू बेस्ट ऑफ। क्या बात है।